मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा मस्तिष्क उद्वेलन विधि, यानी कि ब्रेन स्ट्रॉमिंग। इस विधि के लिए ये कहा जाता है कि ये जो विधि थी, ये विधि हमारे यानी कि हमारे देश में कब इस विधि के लिए विचार आया या इस विधि को शुरू करने के लिए कहां से हमारे दिमाग में विचार हुआ उत्पन्न कि ये विधि शुरू होनी चाहिए। तो इस विधि के लिए कहते हैं मस्तिष्क उद्वेलन विधि। सर्वप्रथम हमारा जो विचार था ये कब आया? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो कहां विकसित हुआ? ये ब्रिटेन में विकसित हुआ। ब्रिटेन में साथ में जो हमारे द्वितीय विश्व युद्ध के जो प्रसार, जो सूचनाओं का प्रसार हुआ था, प्रसार करने वाले थे घटनाओं का, हमारे बीबीसी जो हमारे इसके कहते कि बीबीसी द्वारा जो बीबीसी हमारे बीबीसी द्वारा सी द्वारा विश्व युद्ध की जो घटनाएं थी उनका प्रसारण किया गया था। उसी को देखते हुए कि किस तरीके से हम अपनी घटनाओं को इसे प्रसारित कर सकते हैं स्ट्रॉमिंग करके, तो उसी तरीके से ये चीज जब हमारे दिमाग में शुरू हुई, यहीं से ही हमारे शिक्षा के क्षेत्र में एक विधि के प्रयोग का नाम दिया गया। शिक्षा के क्षेत्र में इस विधि का प्रसार किया गया और इस विधि का फिर नाम हमने क्या लिखा दिया गया इसका? मस्तिष्क उद्वेलन विधि। मस्तिष्क उद्वेलन विधि, इस विधि को हम जो इस विधि के लिए कहते हैं कि इस विधि को हम विचार मंथन जिस पर हम मंथन करते हैं, सोचते विचारते हैं, विचार मंथन, साथ में हम इसे मस्तिष्क उद्वेलन और मस्तिष्क भूचाल ये विधि का नाम भी हम इसको दे सकते हैं। इसका नाम हमें विचार मंथन, मस्तिष्क भूचाल, साथ में हम इसे जो एक मस्तिष्क उद्वेलन हम कहते ही हैं, इंग्लिश में इसे हम ब्रेन स्ट्रॉमिंग कहते ही हैं, तो ये इन सभी नामों से ये जानी जाती है, यानी कि इनके इतने नाम हैं। अब सर्वप्रथम हम ये जानते हैं कि मस्तिष्क उद्वेलन विधि इसका हम किस तरीके से प्रयोग करते हैं, क्यों करते हैं। तो सबसे पहले सामान्य चीज में हम देखते हैं कि जो मस्तिष्क उद्वेलन विधि होती है, ये उद्वेलन विधि एक समूह में करवाई जाती है और इसके लिए कहा जाता है कि जो इसके समूह बनाए जाते हैं उसमें अलग अलग व्यक्तियों का चयन किया जाता है, जो इसका है, जो हमारे प्रधानाचार्य हो जाते हैं, कहते हैं कि जो हमारे इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी करते हैं उसे यहाँ पर मस्तिष्क का नाम दिया जाता है। जो प्रश्न पूछते हैं, यानी कि हमारे प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिससे कि मस्तिष्क में वो चीज संचार करे, या कहें कि मस्तिष्क हमारा काम कार्य करने के लिए एक्टिव हो जाए। इसके लिए कहते हैं हमारे ब्रेन स्ट्रॉमिंग के लिए कि ब्रेन स्ट्रॉमिंग जो होती है
विचारों का, और जो वो सभी जो अलग अलग चिंतन करते हैं, अलग अलग तर्क करते हैं, इनके बारे में हमें अलग अलग जो विचार कहते हैं ना, हमारे पास एक जहां एक विद्यार्थी करेगा वहां हमारे पास एक विचार आएगा, लेकिन जब हमारे एक से अधिक लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो इस चीज को सोचेंगे तो उनके सभी के विचार हमारे सामने आएंगे। तो इसमें ये चीज बताइए कि इतनी ये चीजें होती हैं हमारे सामने, ये सब चीजें हमारे सामने आती हैं, और इसीलिए जो ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, इस ब्रेनस्टॉर्मिंग हमारे क्या करती है कि इसीलिए ये समूह में, एक तरीके से छोटे छोटे समूह में इसका विभाजन किया जाता है, एक अलग अलग पदों का यहाँ पर विभाजन किया जाता है, इसीलिए शिक्षण विधि काम में लेते हैं। अब मस्तिष्कधारण विधि के लिए शिक्षण की एक ऐसी विधि है जिसमें अधिगमकर्ता के मस्तिष्क में अधिगमकर्ता के मस्तिष्क में यानी कि जो वो सोच रहे हैं, यानी इसके लिए कहते हैं कि ये एक ऐसी विधि है, एक ऐसी विधि है जिसमें अधिगमकर्ता के जो मस्तिष्क है, अधिगमकर्ता के मस्तिष्क में किसी समस्या के अधिगमकर्ता के मस्तिष्क में किसी समस्या के किसी समस्या के समाधान यानी कि जो उसका निवारण करते हैं, समाधान के इस समाधान का स्फुटन किया जाए, यानी किस तरीके से उस समस्या को दूर किया जाए, समस्या के समाधान का स्फुटन किया जा सके। ये हमारी ऐसी विधि होती है, यानी कि इसमें कहते हैं कि अगर हम ये विधि देखें तो जो छात्र होते हैं, छात्र अपनी विभिन्न जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं के लिए चिंतन करते हैं, चिंतन करके एक कहा जाता है कि बहुत सा समाधान हमारे सामने होते हैं, क्योंकि ये स्फुटन होता है, एक साथ बहुत सारे निकलते हैं इसमें, क्योंकि ये ग्रुप में होती है। अगर अकेला व्यक्ति सोचे, अगर अकेला स्टूडेंट सोचेगा तो उसके सिर्फ एक विचार निकलेंगे, लेकिन कहते हैं कि जिस तरह से फूलों का पुष्प का एक गुच्छा होता है, उसी तरीके से इस ये हमारा एक ग्रुप का, एक समूह का स्फुटन होता है, जो एक साथ हमारी उस समस्या का समाधान एक विभिन्न तरीके से, किस किस तरीके से या अलग अलग विचारों के रूप में हमारे सामने आता है, इसीलिए इसे ब्रेनस्टॉर्मिंग का नाम दिया गया है, क्योंकि सबके जो समूह में जितने भी व्यक्ति होते हैं सभी के मस्तिष्क को ये जागरूक करता है, वो मस्तिष्क हमारा कार्य करता है, इसीलिए इसे ब्रेनस्टॉर्मिंग, जो ब्रेन में आकर स्टोर हो जाती है, इसीलिए इसका नाम मस्तिष्क उद्वेलन विधि कहते हैं, कि किस तरीके से, यानी कि इसमें कहते हैं कि इसमें समस्या भी ऐसे होनी चाहिए जो हमें हमारे मस्तिष्क को कार्य करने के लिए मजबूर कर दे, या इसके लिए हम कहें कि ऐसी समस्या और ऐसी परिस्थिति होनी चाहिए जिससे कि मस्तिष्क अपना जो जागरूकता, मस्तिष्क अपने आप जागरूक हो जाए और वो कार्य करना शुरू करे। तो ये है हमारा मस्तिष्क उद्वेलन विधि, जो बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो हमारा विकसित देश था ब्रिटेन, जो हमारा उसका उसके जो बीबीसी द्वारा जिस द्वितीय विश्व युद्ध का जो प्रसारण किया गया था, जिन घटनाओं को प्रसारित किया गया था, उसको देखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में मस्तिष्क उद्वेलन विधि का प्रयोग किया गया, या मस्तिष्क उद्वेलन विधि के बारे में सोचा गया, और इसके लिए कहते हैं कि मस्तिष्क उद्वेलन विधि का जो नाम है, जिसे हम कहते हैं विचार मंथन, मस्तिष्क विचार कह दें हम इसे हम मस्तिष्क उद्वेलन कह दें, इंग्लिश में इसे ब्रेन स्टॉर्मिंग कह दें, इन सभी नामों से ये जानी जाती है। साथ में कि ये शिक्षण विधि ऐसी कहते हैं ना कि ये विधि कैसी है, तो हम कहते हैं कि ये एक ऐसी विधि है जिसमें अधिगमकर्ता के मस्तिष्क में किसी समस्या के समाधान का स्फुटन किया जाता है, यानी कि हमें किस तरीके से उस
उद्देश्य है वो मेन उद्देश्य यही होता है कि विद्यार्थी क्या इसका जो मेन उद्देश्य है सृजनात्मक शिक्षार्थी का सृजनात्मक शक्ति का वे तर्क और कल्पना शक्ति का प्रसार करना या उसे आगे बढ़ाना, ये इसका मेन उद्देश्य होता है। किसका? हमारे मस्तिष्क उद्वेलन विधि का। इसमें तर्क, वाद विवाद और अंत में छात्र कहां तक पहुंच जाते हैं? अपनी समस्या तक। अंत में ये अपनी समस्या के निवारण तक पहुंच जाते हैं कि किस तरीके से उन्हें ये समस्या दूर करनी है, ये वहां तक इस चीज के लिए पहुंच जाते हैं। क्योंकि ये हमारे जो कहते हैं कि इसके लिए जो एक कमेटी जो बनाई जाती है कि किस तरीके से कहते हैं इसके लिए परिचर्चा के लिए जो अवसर प्रदान होते हैं वो अवसर प्रत्येक विद्यार्थी को मिलते हैं। क्योंकि जो ग्रुप में हम बच्चों का ग्रुप बनाया जाता है उस ग्रुप के प्रत्येक छात्र को अपने बोलने का, अपने विचार देने का, अपने प्रश्नों का उत्तर देने का इसका सबको अधिकार होता है। और वो सभी इन चीजों का अपनी परिचर्चा करते हैं कि किस तरीके से समूह में लेकर वो परिचर्चा करते हैं और अपनी जो समस्या है उस समस्या के समाधान के अंतिम चरण तक वो पहुंचते हैं। तो ये हमारे मस्तिष्क उद्वेलन विधि की। अब हम पढ़ेंगे विशेषताएं, मस्तिष्क उद्वेलन विधि की विशेषताएं कि कौन कौन सी इसमें विशेषताएं होती हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि मस्तिष्क उद्वेलन विधि है वो कैसी है, हमारी शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। ये हमारे शैक्षिक व मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। सेकंड है हमारा जो फर्स्ट है हमारा शैक्षिक पे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। सेकंड है कि ये हमारे भावात्मक और ज्ञानात्मक जो पक्ष हैं उनके उच्च शैक्षिक उद्देश्यों की ये प्राप्ति करते हैं। भाव ज्ञानात्मक व भावात्मक दोनों शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। यानी कि ये हमारे दोनों शैक्षिक उद्देश्य ज्ञानात्मक पक्ष का भी और हमारे भावात्मक पक्ष का भी। क्योंकि जब हमारे ये मस्तिष्क पर आधारित है, चिंतन पर है, तो ये हमारे ज्ञानात्मक पक्ष को भी मजबूत करती है और साथ में हमारे भावात्मक पक्ष को। यानी कि ये हमारे इन दोनों उद्देश्यों की हमें उच्च श्रेणी पर उच्च तरीके से हमें इसकी प्राप्ति होती है। थर्ड है हमारे कि जो हमारे इसमें चिंतन तथा समस्या समाधान, यानी कि चिंतन के क्षेत्र में भी और हमारे समस्या समाधान के क्षेत्र में भी ये हमें क्या करती है, समस्या समाधान के क्षेत्र में भी
डालते हैं। फिर है हमारा इसमें जो हमारा फर्स्ट था शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित, सेकंड था हमारा ज्ञानात्मक व भावात्मक, दोनों शैक्षिक जो हमारे उद्देश्य है इनकी प्राप्ति में सहायक है। फिर था हमारा चिंतन तथा समस्या समाधान के क्षेत्र में हमें उत्साहित प्रदान करती है कि किस तरीके से हम इसमें उत्साह भर सकते हैं, किस तरह से हम इसमें जागरूकता ला सकते हैं। फिर आता है कि जो छात्रों को स्वतंत्रता पूर्वक स्वतंत्रता पूर्वक सोचने की छूट। इसमें क्या करते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि जो स्टूडेंट सोचने विचारने की जो क्षमता है इसमें स्टूडेंट को पूरी स्वतंत्रता होती है अपने विचारों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करने की और अपने विचारों को दूसरों को बताने की। तो इसमें पूरी तरह से छूट होती है, वो स्वतंत्रता पूर्वक उस समस्या के प्रति अपने विचार भी रख सकते हैं और उसके लिए जो उपाय होते हैं उन उपायों को भी वो बता सकते हैं। फिर आता है हमारे कि जो हमारा इसमें आगे का जो पॉइंट है हमारा, वो हमारा पॉइंट है इसमें छात्रों के लिए स्वतंत्रता पूर्वक सोचने के लिए हम क्या करते हैं, सोचने की छूट देते हैं या सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। और फिर है इसमें कि जो हमारी शिक्षण है यह शिक्षण की सृजनात्मक, यह शिक्षण की सृजनात्मक नीति को या सृजनात्मक शक्ति को बढ़ावा देती है। बताया था कि क्रिएटिविटी, क्योंकि जब बच्चा स्वयं करेगा और स्वयं अपने विचार अपनी समस्या के प्रति उस विचार उत्पन्न करता है उसके अंदर एक क्रिएटिविटी जागृत हो जाती है। तो कहते हैं कि उसी सृजनात्मक शक्ति को ये बढ़ावा देते हैं, उस नीति को भी किस तरीके से बच्चा इस कितना ज्यादा बच्चा क्रिएटिविटी कर सकता है, क्योंकि जब तक बच्चा स्वयं नहीं करता है तब तक वो दूसरों पर आश्रित रहता है तो उसके अंदर एक क्रिएटिविटी शक्ति का विकास नहीं हो पाता है। लेकिन जब बच्चा स्वयं उस कार्य को करने लगता है तब उसमें क्रिएटिविटी जागृत होती है। क्रिएटिविटी के साथ साथ में ये मौलिक विचारों को भी बढ़ावा देती है, मौलिक विचारों को बढ़ावा प्रदान करना, ये भी इसकी विशेषताएं हैं। तो ये हमारी मस्तिष्क उद्वेलन विधि की विशेषताएं थी। अब हम पढ़ेंगे कि मस्तिष्क उद्वेलन विधि के सोपान कौन कौन से होते हैं, इन सोपानों का हम वर्णन करेंगे कि सोपान पढ़ेंगे हम इसके मस्तिष्क उद्वेलन विधि के सोपान कौन कौन से, इसके सोपान के चरण हैं कौन कौन से होते हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सर्वप्रथम इसका प्रथम चरण क्या होगा, इसे हम सोपान या चरण कुछ भी बोल सकते हैं। तो सर्वप्रथम क्या करते हैं हम, सर्वप्रथम जब हम कार्य करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारी समस्यानुभूति यानी कि समस्या की पहचान। सर्वप्रथम जब तक हमारे पास समस्या नहीं होगी हम कार्य नहीं करेंगे। जैसे हम कहते हैं कि जब टीचर पढ़ाने जाएगा और उसके पास अपनी विषय वस्तु नहीं होगा, अपना टॉपिक नहीं होगा तो वो क्या पढ़ाएगा। तो अगर हमें कार्य करना है तो सबसे पहले कार्य करने का कारण ढूंढेंगे अर्थात हमारी समस्या, सबसे पहले हम समस्या जानेंगे। तो इसमें जो सर्वप्रथम हमारा इसका चरण होगा वो होगा हमारा समस्या अनुभूति, कि हम समस्या को किस तरीके से अनुभूति करें, समस्या को पहचाने। फिर आता है समस्या की व्याख्या
समस्या की व्याख्या। जब हम इसकी अनुभूति यानी कि हम जब समस्या को पहचान लेंगे, हम हमारी आवश्यकता को जान लेंगे कि हमारी आवश्यकता ये है, उस आवश्यकता को जानने के बाद में उसके लिए हम व्याख्या करेंगे। जैसे हम कहते हैं कि जब हमें भूख लगती है तब हम जानेंगे, हमारे पेट में जो भूख का अनुभव होगा हमें, तब हम जानेंगे कि हमें खाना खाना है, दूध पीना है या चाय पीनी, यानी कि हमें उसकी व्याख्या करनी रहेगी कि हम इस समस्या पर कार्य किस तरीके से कर सकते हैं, ये समस्या क्या कहना चाह रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे, हम उसकी व्याख्या करेंगे। फर्स्ट आ गया हमारा समस्या अनुभूति, फिर आती है हमारा समस्या व्याख्या, फिर आता है हमारा समस्या का विश्लेषण। समस्या का विश्लेषण। जब हम समस्या की अनुभूति करते हैं, फिर हम समस्या की व्याख्या करते हैं, और समस्या की व्याख्या करने के बाद में हम देखते हैं कि उस समस्या को क्रमबद्ध करने के लिए हम उसे छोटे छोटे भागों में हम उसे विभाजित कर देते हैं, यानी कि हम उसका विश्लेषित कर देते हैं। विश्लेषित करके हम उसके लिए हम इसके जो प्रदत्तों का संकलन करते हैं कि क्या क्या प्रदत्तों का संकलन, समस्या का विश्लेषण व प्रदत्तों का संकलन करते हैं कि किस तरीके से हमें इसे क्रमबद्ध करनी है, कौन सा समस्या का पहले क्रमबद्ध हमें पहले लाना है, और उसके बाद में हम उसके लिए कौन कौन से आंकड़े एकत्रित कर सकते हैं, कौन कौन सी सामग्री हमें उसके लिए काम में आती है। तो ये कहते हैं कि सबसे पहले समस्या अनुभूति के बाद में हम समस्या की व्याख्या करते हैं, यानी कि उसको समझने के लिए, फिर समझकर हम उसे छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हैं, यानी कि समस्या का हम विश्लेषण कर देते हैं, और विश्लेषण करने के साथ साथ हम प्रदत्तों का संकलन करते हैं कि इसके लिए हमें कौन से डाटा की या हमें कौन सी सामग्री का हमें इसके लिए आवश्यकता होती है, हम उनका संकलन करते हैं, उसे एकत्रित करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद में आता है हमारा कि जो हमारी संभावित समाधानों की खोज करते हैं, संभावित समाधान की खोज, यानी कि हम टोटल पहले निष्कर्ष पर नहीं जाते हैं, हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हमने जो कार्य किया है क्या हमारा उसका समाधान, कहते हैं ना कि पहले प्री जिसके आता है कि संभावित की हम सही भी हो सकते हैं या गलत भी, यानी कि संभावित समाधान की हम खोज करके फिर परीक्षण करना, यानी कि हमने ना संभावित निकाला है, लेकिन जब तक हमारी कहते हैं कि जब तक उसको वैलिड नहीं माना जाता है, जब तक उसका परीक्षण नहीं किया हो, तो हम जब इसके लिए हमारे संभावित हमने समाधान खोज लिया और उसके बाद में हम उसका परीक्षण करना होता है। फिर आता है हमारा इसमें कि संभावित समाधान की खोज करने के बाद में कि हम उसका परीक्षण करते हैं, परीक्षण करने के बाद में हम उसका मूल्यांकन करते हैं। जो हमारे संभावित हमारा समाधान है, समाधान का मूल्यांकन, ये हमारा इसका अंतिम चरण है, जिसमें हम इस खोज करके हमने उसका परीक्षण भी कर लिया, परीक्षण के बाद में हमने इसका मूल्यांकन कर लिया। तो ये हमारे मस्तिष्क उद्वेलन विधि थी जिसका मैंने आपको पूरा वर्णन किया है, ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। धन्यवाद।